ईरान आज फिर से चर्चाओं में है। वजह ईरान पर एक इसराइल ने बड़ा हमला कर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया का खात्मा कर दिया है। इस बीच पिछले 24 घंटों में इसराइल के दो बड़े दुश्मनों को मारा गया है। इसराइली सेना का कहना है कि उसने मजदल शम्स में हुए हमले का बदला ले लिया है और बेरूत में हिजबुल्ला के कमांडर फुआद शुकुर को ढेर किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फॉर्म्स यानी IRGC ने इस्माइल हानिया के संबंध में बयान जारी किया है। इस्माइल हानिया की मौत पर इसराइल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इसराइल की हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा है कि हानिया की मौत से दुनिया थोड़ी बेहतर हुई है। वहीं IRGC के एक बयान में कहा गया कि तेहरान में उनकी आवाज़ को निशाना बनाया गया है और हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया की हत्या विस्फोट कर की गई। IRGC की PR टीम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हमला बुधवार तड़के किया गया और घटना के कारण का पता लगने के लिए जांच की जा रही है। इससे पहले मंगलवार को सुधारवादी नेता हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी और ईरान के सर्वोच्च नेता से भी मुलाकात की थी। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास का बयान सामने आया है। उसका कहना है कि अल्लाह के मार्ग में मारे गए लोगों को मरा हुआ ना समझो, बल्कि वह अपने रब के पास जीवित है। इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट हमास हमारे महान फिलिस्तीनी लोगों, अरब एंड इस्लामिक राष्ट्र एंड दुनिया के सभी स्वतंत्र लोगों के बेटों के लिए शोक व्यक्त करता है। भाई नेता, शहीद सेनानी इस्माइल हानिया, आंदोलन के नेता जो नए ईरानी राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद तेहरान में अपने निवास पर विश्वासघाती जायोपनी छापे के परिणाम स्वरूप गुजर गए। हम अल्लाह के हैं और उसी के पास लौटेंगे, ये जीत या शहादत का जिहाद है। हमास का कहना है कि हानिया की हत्या की सजा जरूर मिलेगी। इस्माइल हानिया का जन्म 1962 में गाजा पट्टी के अल शत्ती शरणार्थी शिविर में हुआ था। वह एक फिलिस्तीनी नेता थे। इस्माइल ने 2006 से लेकर 2007 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी PA के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हमास ने 2006 के फिलिस्तीनी आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीती थी। प्रतिद्वंदी फतेह के साथ गुटिया लड़ाई के बाद सरकार को भंग कर दिया गया और गाजा पट्टी में एक स्वायत्त हमास के नेतृत्व वाले प्रशासन की स्थापना की गई थी। हानिया ने गाजा पट्टी में 2007 से 24 तक वास्तविक सरकार के नेता के रूप में काम किया था। 2017 में उन्हें खालिद मशाल की जगह हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख के रूप में चुना गया था। इधर इसराइल और हिजबुल्ला के बीच विनाशक जंग का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जंग का यह चैप्टर और भी घातक और विध्वंसक हो गया है क्योंकि इसराइल ने आधी रात को लेबनान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इसराइल की एयर स्ट्राइक से बेरूत पर तबाही मच गई है। इस हमले को गोलान हाइट्स का बदला माना जा रहा है। कुछ दिन पहले हिजबुल्ला ने गोलान हाइट्स पर 40 रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इसराइल के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। अब ऐसे में देखना है कि इस हमले को लेकर ईरान की क्या प्रतिक्रिया रहती है। ईरान पर यह एक हमला नहीं है, बल्कि ईरान की संप्रभुता को चुनौती भी है।